स्वास्थ्य विभाग के आशीर्वाद से झोलाछाप महिला डॉक्टर अवैध क्लिनिकों पर खुलेआम नॉर्मल डिलीवरी गर्भपात कर रहे हैं, जिस कारण मुरादाबाद जिले में अवैध क्लिनिकों का मक्कड़ जाल फैला है। ताजा मामला मुरादाबाद जिले के थाना मंझोला क्षेत्र अंतर्गत आने वाली मियां कॉलोनी स्थित फातिमा हेल्थ केयर का है, जिसकी संचालिका डॉक्टर तबस्सुम परवीन है, जिनके पास सिर्फ नेचुरोपैथी यानी BNBS डिप्लोमा है, जिसकी आड़ में वह गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी और गर्भपात मेडिसिन और औजारों के जरिए अपने अवैध क्लिनिक पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को नहीं है, लेकिन वह भी सब कुछ देखकर अनजान बने बैठे हैं। डॉक्टर तबस्सुम परवीन मीडिया को बताती है कि वह अपने अवैध क्लिनिक पर नॉर्मल डिलीवरी और भ्रूण हत्याएं करती हैं, जिसकी भ्रूण हत्याएं करने के लिए वे प्रसिद्ध चिकित्सक नहीं हैं और ना ही उनको किसी न्यायालय या संबंधित विभाग द्वारा अनुमति दी गई है। मैडम साहब, ये जो क्लिनिक है आपका फातिमा हेल्थ क्लिनिक, इस पर किस तरह के मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है? जैसे डीएनसी वगैरह, मैडम जैसे ये बरसात का मौसम चल रहा है तो इस तरह हमें मरीज बीमारियों को फैलने का अंदेशा रहता है, तो आपके यहाँ क्लिनिक पे कैसे मरीज आ रहे हैं? गर्भवती महिलाओं को क्या इसमें ज्यादातर उनको भी लूज मोशन ही हो रहे हैं कारण? और बहुत ज्यादा जस्ट सपोज कीजिए कि एक 4 महीने की महिला गर्भवती है, उसको DNC करानी है, तो वो आप औजारों से करती हैं या मतलब दवाई मेडिसिन से करती हैं? औजारों से वगैरह से नहीं करती। तो आपने क्या डिग्री कर रखी है? BNBS नेचुरोपैथी। तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? अच्छा, की फुल फॉर्म